All right, so we had an interesting session last time. Anybody remembers anything from it? चीकू का मिस हुआ, शालिनी का मिस हुआ, तो जिनका मिस हुआ वो बताएं थोड़ा कुछ. लास्ट क्लास में जो सबसे ज्यादा मेरे मन में रहा वो है आत्मबोध, कि राम जी की कथा पढ़ने से जो हमारा मन भाव विभोर हो जाता है और एक ग्लानि सी मतलब आ जाती है कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरह एक्चुअली करना चाहिए. तो धीरे धीरे वो आंखों के तो साथ साथ हमारी जो वासनाएं हैं, जो ईगो है, वो धीरे धीरे निकल जाती है. ईगो और सारी वासनाएं बार बार सुनने से, बार बार उसको समझने से. तो नाइस. इनको शालिनी, एनी टेक अवेज फॉर यू सिंस यू रिवाइज्ड इट? नहीं आ रही आवाज? शालिनी, कुछ टेक अवे है पिछली क्लास का? नहीं, आवाज नहीं आ रही. पुलकित बता बेटा. मिलेगा. सो अगेन, लाइक आत्मबोध वाज आल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट रियली टच मी, बिकॉज नॉट ओनली गॉड, बट गॉड तो लाइक बहुत बड़ी चीज हो गई. मैं तो अगर एक लाइक शुद्ध क्या बोलते हैं उसको, तीव्र माँ भी लग जाए किसी सिंगर का तो मेरे आंसू आ जाते हैं यमन में. तो लाइक अगर किसी का लाइक म्यूजिक भी अच्छा सुन लो, या कोई भी अच्छी आर्ट, किसी लाइक नॉट ओनली म्यूजिक बट इफ यू सी वन ऑफ द आर्ट्स, that also like makes me really emotional. So if this art, which is given by God, is so beautiful, then himself or herself, God, must be the most beautiful and like you're understanding what I'm saying. And apart from that, also you told me rag, which is detachment, virag, which is sorry, rag attachment, virag. Detachment. And then I always asked you with due respect by sannyas always, but it was not that I disrespected that concept, but it never, I didn't understand it fully, and I never relate to it a lot. But then when you said anurag, which is also a beautiful concept, that you live in this life, but you have that bhakti in you, that you don't have any connection with the Maya and more, which is in this world. You're just all dedicating this whole, the whole life to God. So it's really beautiful. Anurag is also one other concept that I learned, and it's really beautiful. And then also the class started where you were telling me how is Chamba going, and I was like, I'm normal about everything, and apparently it was wrong because I should be excited for right things. And whenever I do something, I'll be like, what would Shinka Didi think about it? And would she be mad or this and that? So I always try to think, what my elders would have thought of this action. And I'm still like, I still commit so many mistakes. Like every day I miss like commit so many mistakes. My father is always teaching me one or the other thing. But I try my best to at least understand and take the right action that I can do. It's yeah, just that. Very nice. Piyush beta, any thoughts, Rajay, from last class? Yes, Didi. I mean, some of the things Pulkit and other members have covered, but I think we started the class with a very interesting, at least for me, with an interesting लाइन यू सेड कि साधना से ईगो बढ़ जाता है और गुस्सा भी बढ़ जाता है. एंड हाउ कम एंड हाउ इफ यू आर डूइंग साधना एंड हाउ कैन यू डिटॉक्स, हाउ कैन योर साधना बी प्योर बाय डिटॉक्सिंग द ईगो एंड गुस्सा आउट ऑफ इट बाय राम नाम जपने से. और सिर्फ राम नाम जपना नहीं है, उसको समझना है. तो इट्स लाइक साधना में भी राम नाम की साधना और उसको समझ के साधना इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिकेशन एंड डिटैचमेंट. और एक चीज और थी कि
जो लर्निंग विच स्टेड विद मी, आई मीन देयर वर मेनी थिंग्स यू टॉक्ड अबाउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ संकल्प एंड अ प्रणन प्रतिज्ञा एंड हाउ ईगो कम्स इन बिटवीन, एंड यू टॉक्ड अबाउट वासना. बट द अदर थिंग विच स्टेड विद मी वॉज दैट यू नो यू कैनॉट बी ओनली कंज्यूम्ड इन राग. कोशिश करो वैराग की, पर क्योंकि गृहस्थ जीवन है शायद वैराग ना मिले, तो कम से कम अनुराग तक पहुंचने की कोशिश तो करो. दैट शुड बी द गोल ऑफ लाइफ. सो फॉर मी इट्स लाइक पाथ इज ऑफ अनुराग विद साधना एंड प्लस राम की भक्ति. दैट्स द काइंड ऑफ पाथ ऑफ लाइफ इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड सॉर्ट ऑफ टुक अवे. खुशबू, एनी थॉट्स बेटा? आज बड़ी सुंदर लग रही है. प्रणाम दीदी. प्रणाम गुड़िया. सो अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी व्हाट दे सेड, माय टेक अवे वाज जब अगस्त मुनि जी ने कथा की थी तो राम शिव जी और शिव पार्वती जी आकर बैठे थे और वो अगस्त मुनि जी ऊपर बैठे, माता सती बैठी थी, पार्वती नहीं बैठी. अच्छा, माता सती जी बैठी थी और वो दोनों नीचे बैठे थे और अगस्त मुनि जी ऊपर बैठे थे. और तब उन्होंने, तब जब कथा पूरी हुई तो अगस्त जी ने, शंकर जी ने पूछा कि आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई तो मैं क्या दक्षिणा दूँ. तो उन्होंने बोला कि मुझे बस राम में प्रीति दे दो. तो ये सुनते ही दोनों रोने लग गए. एंड फिर आप, ये मेरा मेन टेक अवे था जब आपने कहा कि हमें मर्यादा सीखनी चाहिए कि गुरु के सामने कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, हम कैसे पहनते हैं, उड़ते हैं, कैसे नमस्कार करते हैं. ट्रेडिशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए. अगर हमारे बड़े किसी को ऑलरेडी प्रणाम कर रहे हैं तो जस्ट डू इट विदाउट क्वेश्चनिंग इट, बिकॉज दे आर नॉट एवरीथिंग का लॉजिक जान के भी कुछ होगा नहीं. So some things should be followed the way it is. So तुम तो बड़े अच्छे हो, एक ही बार में समझ में आ गया. मेरी माँ ने इतने डंडे मारे तब भी मुझे समझ में नहीं आया. बोलती थी नमस्कार करो, मैं किसी को नमस्कार नहीं करती. You guys are very 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 lucky because you are so so good and तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे हैं कि तुम्हें एक ही बार में समझ में, एक बार बताया क्लास में तुम्हें समझ में आ गया. क्या बात, जीते रहो. फिर राम जी वहां पे, राम जी तो सीता जी को खोजने निकले थे, पर जैसे वो शंकर जी ने याद किया तो वो राम जी तो वो उल्टी तरफ जाने के बदले उल्टी तरफ चलने लग गए. सीता जी के पास जाने के बजाय वो नॉर्थ की तरफ जाने लग गए. एंड ही रीच्ड वेयर अगस्त्य मुनि जी एंड शंकर भगवान वॉज देयर. तो शंकर भगवान जी और अगस्त जी ने उनको प्रणाम किया, उनके सामने झुके, पर सती माता ने नहीं किया. फिर वो टेस्ट, फिर सती माता गई टेस्ट करने की ये भगवान है कि नहीं. और वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने टेस्ट किया, सीता माँ का रूप लिया. एंड टू कट शॉर्ट द स्टोरी, व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज दैट हाउ इवन शंकर जी फॉलोड द मर्यादा व्हेन he came to know that sati mata lied, and he said that now I cannot accept you as my wife because I cannot live that grihastha ashram with you. So he went for penance for 26,000 years. And wo jab aapne ye, jab aap ye samjha rahe the na, tabhi mere liye bahut bahut I don't know, it stayed with me a lot because बचपन से शिव जी की पूजा करते हैं. और आपने भी क्लास में कहा कि हम तो सब बचपन पैदा ही हुए शिव भक्त. तो मम्मी यूज्ड टू टेल मी दैट यू नो शिव जी ने इतनी तपस्या की है, वी डोंट नो वेदर ही इज अ गॉड, ही इज अ ह्यूमन, ही इज अ एलियन. मम्मी ऑलवेज यूज्ड टू से दिस. एंड ही इज व्हाट बिकॉज ऑफ हिज तपस्या, मेनी मेनी इयर्स ऑफ तपस्या. व्हेन यू सेड 26,000 इयर्स ऑफ तपस्या ओनली टू नॉट टू फॉलो गृहस्थ आश्रम was like okay, so then कितने सालों की तपस्या की होगी to be Shiva. So it is beyond comprehension for me. I just stayed with the thought that how much I talk about, I chant about Shiva, but I don't know Shiva at all. Mm-hmm. So that
that was like really something that stayed with me the most. And obviously the concept of Atmabodh, hamara man kitna komal ho jata hai jab hum apne aap ko janne lag jate hain. जब हम भगवान को जानते हैं तब हमारा मन कोमल हो जाता है. हम तो इतनी अच्छी कोई बात करते ही नहीं है कि हमारा मन कोमल हो. हम तो ईगो में ही रहते हैं. कोमल हमारा मन तब होता है जब हम भगवान को जानते हैं. और शिव जी के बारे में जानना है तो राम जी की कथा से अच्छी कोई चीज नहीं है, क्योंकि शिव जी तो राम जी की ही पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं. और जो जिसकी भक्ति करेगा वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा. तो अगर उनका स्वरूप समझना है तो राम जी का चरित्र समझ लो, शिव जी का अपने आप समझ में आ जाएगा. कोई फर्क नहीं है. जब भगवान नारायण राम स्वरूप में आए तो वो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है शिव जी में और राम जी में. कोई फर्क भाव का, मर्यादा का, कोई फर्क नहीं. वेरी नाइस. दिशा कुछ बोलेगी? अभी तो क्लास सुनी. आंटी, I think most of them they've covered, but one thing that remained was Khushbu said the story that when Sati ji had gone to test, then it's just how Lakshman ji thinks is what we normally think and react. And how we have to reach towards how Ramji was thinking. It was, I mean, the way Lakshmanji thought was that, okay, Sitaji cannot be walking in front of Ramji, but still the we are reacting, and now we need to start kind of respond and not react. It's a nice choice of word. बट इवन उसमें से भी री निकाल दो, क्योंकि जहां पर री आता है ना वो फिर किसी चीज की वजह से होता है. उसकी वजह छोड़ दो, अपनी बात बोलो. और कौन बच्चा? शालिनी अब चल रहा है तेरा? हाँ दीदी, मैंने फोन में स्विच कर लिया, वो इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम. बता रहा जी. तो दीदी, मेरे लिए वो आपने जो बोला था कि जब हम एक्चुअली लास्ट क्लास में तो बहुत सारे टेक अवेज थे, पर एक तो साधना से जो हमें गुस्सा और ईगो आता है, और फिर जब हम राम जी की भक्ति लाते हैं तो फिर हम अपने आप को ग्रेजुअली शांत कर सकते हैं. तो सरेंडर, और सरेंडर टू दैट हायर अथॉरिटी, चाहे वो गुरु हो चाहे वो भगवान जी हो. और आत्मबोध, जैसे आपने बोला कि आई थिंक मेरे को कई बार ऐसे फील होता है जब आपने बोला, जैसे कि फील होता है कि हम बहुत छोटे हैं और हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं, एंड यू नो हमने क्या कर दिया. तो आई थिंक आप वन इंसिडेंट जस्ट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन आई कम टू यू एंड आई आस्क्ड यू अबाउट श्री अंतरिक्ष की पूजा, एंड then I realized ki, you know, what did I do? So it was not just because you scolded me, it was that didn't matter, but it was more about realizing ki, oh my god, what did I do. So and aapne bola jaise mandir mein jaake bhi hota hai, to mandir mein bhi kabhi kabhi aisa feel hota hai. Aur dusra jo satsang karne se हमारे को, जब हम कथा सुन सत्संग में भगवान की कथा सुनते हैं तो उससे या तो पहले राग खत्म होगा और फिर अनुराग आएगा, या कभी कभी अनुराग पहले आएगा और उससे फिर दूसरा राग खत्म होगा. क्योंकि अभी मैं शिव जी के मंदिर राजेश की कजन की वाइफ के साथ गई थी, और वो यही कह रही थी कि मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे बच्चों के साथ अटैचमेंट है और मुझे नहीं समझ आता कि इसको कैसे. तो मेरे को आपकी ये बात याद आई, तो मैंने उसको बोला कि धीरे धीरे अपना उनसे राग हटा के भगवान कोई एक भगवान में अनुराग लगाने से शायद वो राग डिस्ट्रैक्ट होके कम हो जाए, मतलब धीरे धीरे. तो आइदर वे, या तो राग पहले खत्म होगा या अनुराग पहले
आएगा. एंड तो इसलिए आई फील, एंड दैट्स व्हाई आई फील ये रामायण की क्लास, जैसे आपने बोला ना अभी हमारे को योगा सूत्रा में कि योगा सूत्रा बहुत हार्ड है, कबीर के दोहे पढ़ो. तो मुझे भी यही लगा कि एक्चुअली में इट्स एन इजियर मोर रस वाला पाथ देन द अदर पाथ. सो द भक्ति डेफिनेटली हैज इट्स ओन रस इन इट. वेरी नाइस. नेहा तो रस्ते में होगी. हिना कुछ समझी बेटा लास्ट क्लास में? हाय दीदी, एक्चुअली मैंने अटेंड किया था. नमस्ते. नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. आई एम सॉरी, मैं थोड़ी क्या इंटरमिटेंट गेस्ट बन जाती हूँ. तो आई वाज जस्ट हियरिंग एंड इट्स अ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स एंड a lot of wisdom to catch, so I'm really happy here. Okay, all right, we'll leave you happy, we'll not question you too much. Neha beta raste mein? Haan didi, raste mein hoon main. Aapko awaaz aa rahi hai meri? Are didi, haan, maine samjha tha last class mein. और जितना मैं रिटेन कर पाई थी, सो इट वॉज अबाउट दैट डिवोशन इज इम्पोर्टेंट. एंड सो हाँ, दैट वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन एंड टू डू एनी थिंग दैट यू हैव टू हैव द डिवोशन. मैंने आपको पिछली बार कहानी तो सुनाई थी, वो खत्म नहीं की थी. सती माता दक्ष के यहाँ गई और दक्ष के यहाँ उन्होंने अपना देह त्याग दिया क्योंकि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया, नहीं बुलाया, शिव जी का भाग नहीं रखा यज्ञ में. तो उन्होंने देह त्याग किया. देह त्यागने से पहले, देह त्यागने से पहले उन्होंने भगवान राम जी की पूजा की, राम जी का अनुसरण किया, इन्वोकेशन किया राम जी का और बोला कि भगवान मेरे को इतनी कृपा करो कि हर जन्म में शिव जी मिले. ये शरीर तो छूट रहा है, आप इतनी कृपा करो कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि हर जन्म में मुझे भगवान शिव ही वर मिले. तो सती माता सत में चली गई, पार्वती माता का जन्म हुआ और पार्वती माता ने तपस्या की. भगवान शिव जी तपस्या में थे, उनको बोध नहीं कि पार्वती जन्म हुआ, उनको बोध नहीं है ये सब. तो ऐसा बोला जाता है कि राम जी आए और वो सती माता जिन्होंने उनको नमस्कार भी नहीं किया, जिन्होंने आगे जाके झूठ बोला, परीक्षा ली, सीता के स्वरूप में आई, मरते समय उन्होंने राम जी से बोला मुझे हर जन्म में प्रभु गलती हो गई, माफ कर दीजिए, हर जन्म में यही वर दीजिए. तो जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो राम जी, और उन्होंने तपस्या की तो राम जी गए शिव जी के पास, शिव जी को पूरा गुण सुनाने कि पार्वती पैदा हुई है, माता सती पार्वती के रूप में पैदा हुई है और आप इनसे, उनसे रिक्वेस्ट करना, आप इनसे शादी कीजिए. अब ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि शिव जी किसके भक्त हैं? राम जी के. राम जी के भक्त हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो वही करेंगे जो राम जी करते हैं. राम जी ने एक पत्नी,
पत्नी का व्रत रखा। उनके पिताजी की तीन पत्नियां थी, राम जी ने एक पत्नी का व्रत रखा। जब अपनी पत्नी को अगर बोल नहीं रहे के भेजा, मगर अगर उन्होंने वनवास भेजा तो ब्रह्मचर्य का व्रत रख लिया उसके बाद। मतलब ये नहीं कि एक एक पत्नी नहीं है तो दूसरी पत्नी कहीं से, एक पत्नी तो मतलब ये तो समझ ही नहीं आई बात, जब हम आपकी पूजा करते हैं, आपने एक पत्नी का व्रत रखा, हमारी पत्नी खत्म हो गई, अब हम दूसरी शादी कैसे कर सकते। तो अगर ये उदाहरण पे चले ना, गुरु ऐसे चल रहे हैं, भगवान ऐसे चल रहे हैं, तो भक्त ऐसे गलत क्यों चलेगा। तो राम जी को मालूम, सती माता ने प्रार्थना की थी, राम जी को ये मालूम था कि भगवान शंकर किसी से दोबारा शादी नहीं करेंगे, इसलिए राम जी खुद गए उनको समझाने के लिए। भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं कि जिन्होंने अपमान भी किया उनकी भी बात कितनी जल्दी क्षमा कर दी, और उनकी पैरवी करने गए शिव जी के पास कि आप इनसे शादी कीजिए, ये सती माता का रूप है, बहुत गुण है, बहुत, और ये पूरी ये शिव पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन है कि गुण बताए गए, राम जी ने गुण बताए देवी के कि ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है मैच, आप यहाँ पर जाके शादी कीजिए। और ऑफकोर्स बाद में जब शादी होती है तो नारायण भी रहते हैं, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि राम जी की कृपा की वजह से पार्वती माँ की शादी शिव जी से हुई है, और उन्हीं देवी की कृपा से सीता माता की शादी राम जी से हुई है। लाइक वेरी क्यूट, जब सीता माता राम जी को देखती है तो उनके मन में भाव आता है, पूजा करने जा रही है, स्वयंवर होने वाला है, पूजा करने जा रही है देवी माता की, और राम जी को देख लेती है तो उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी बताई है रामचरितमानस में कि राम और लक्ष्मण दो भाई, और इतने सुंदर स्वरूप कहीं मिथिला में ऐसे किसी को देखा ही नहीं था, तो आदमी तो वैसे ही मतलब दर्शन करके खुश हो रहे थे, जो लोग चल रहे थे, जो सारी नारियां थी, जो माताएं बहनें थी, वो सब ऊपर से दर्शन कर रही, और राम जी मतलब ऊपर झरोखों से दर्शन कर रही थी, और दर्शन करने के लिए उनको ना चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ क्योंकि ऊपर से देख रही थी, ऊपर से देखेंगी तो चेहरा कैसे दिखेगा। तो बड़ी अच्छी क्यूट सी उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि राम और लक्ष्मण जी दोनों चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो मर्यादा के अंदर, ऊपर देखना मर्यादा के अगेंस्ट है, गुरु के साथ चल रहे हैं, सर नीचे करके चल रहे हैं, तो दोनों सर नीचे करके चल रहे हैं, तो नीचे करके सर चलते चलते चलते, तो अब ये जो ऊपर माताएं बहने बैठी उनको दर्शन का बहुत जोर से, लाइक यू नो दे आर लाइक रियली कीन के किसी तरह से दर्शन हो जाए प्रभु के, किसी तरह से दिख जाए, ये कितने सुंदर लग रहे, मतलब आने से ही ऐसा लग रहा है बाहर आ गई, क्या हो गया, कौन है ये, दर्शन हो जाए। तो अब ये दोनों चल रहे, दोनों के सर नीचे, गुरु के पीछे चल रहे हैं, सर नीचे, तो ऊपर से सब जो लेडीज हैं उन्होंने कुछ ना कुछ युक्ति लगानी शुरू की, तो बोला बड़े हम तो जानते हैं कहाँ से आए, ये तो दशरथ महाराज के बेटे हैं, वहां से आए हैं, अयोध्या से आए हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया पिताजी की बात हो रही है, ऊपर किसी कोई पिताजी का नाम ले रहा है। राम जी बोले नहीं नहीं सर नीचे रखो, चलो पर नहीं देखना। फिर आगे चले तो बोले ऊपर से लड़कियों ने बोला कि तो हमें मालूम है महाराज तो ठीक है, इनकी तो माताओं का भी हमें पता है, ये कौशल्या माता, ये सुमित्रा माता के नंदन है, ये तो बहुत मतलब लकी है कि इतनी अच्छी माता है इनकी माता है। भैया माताओं का वर्णन हो रहा है, माताएं माताओं का भी नाम जानते हैं लोग, पता नहीं कौन है, कौन जान रहा है, कौन हमारे बारे में बात, नीचे रखो सर नीचे। उसके बाद अल्टीमेटली उनके पास कोई
ना फेंके कुछ तो कोई ऊपर देखे, तो फूल फेंकेंगे तो इतने सुंदर दिख रहे थे, लाइक यू नो वेरी सो सॉफ्ट सो टेंडर, कि फूल फेंकेंगे तो कहीं चोट लग जाएगी, तो सारी फूलों की पंखड़ियां निकाली फिर पंखड़ियां फेंकी, तब भी वो ऊपर नहीं देखे। तो ऐसे राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, ऊपर नहीं देखे, फिर भी उनका दर्शन हो गया सीता माता को। ऐसे गए, जब माता पूजा की थाली लेके जा रही थी तो दर्शन हो गया, और दर्शन हो गया तो वहां गई तो बोले ऐसा ही वर देना, यही वर चाहिए। किससे बोला? माँ भवानी से बोला कि ये वर दीजो। तो वेरी ब्यूटीफुल कि माता की शादी जिसने कराई उसकी शादी भी माता ने कराई। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर संयोग। तो ये थी वो सती माता की कहानी, मैंने पूरी नहीं की थी, रह गई कुछ बात से बात निकल आई। सचिन भैया ज्वाइन कर लिया आपने, कितना फोन करना पड़ेगा आपको? I was on another call, I just got over the call, sorry। एक ग्लास आप गलती से अटेंड करते हो, पूरी कर लिया करो। तो टाइमिंग का इशू चल रहा, और कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए टाइमिंग का इशू ना परे कर देना चाहिए, कोई हफ्ते में एक दिन तो कर ही सकते हैं ना। सॉरी ना ना सॉरी क्या वे क्या। ऑलराइट, तो आज हम लोग क्या करें, भगवान की कथा शुरू करनी है। तो भगवान की कथा जब शुरू करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लिखने का दिन भी क्या है, मंगलवार, मंगलवार से शुरू किया उन्होंने, और रामनवमी का दिन था जिस दिन शुरू किया, और राम जी जब पैदा हुए थे तब भी मंगलवार ही था। तो ऐसा बोला जाता है, अयोध्या में पैदा हुए थे, अयोध्या में उन्होंने लिखना शुरू किया। हालांकि जो रामचरितमानस है वो तीन जगह पे लिखी गई, मगर जो शुरुआत थी वो अयोध्या में थी, और रामनवमी के दिन पे उन्होंने शुरुआत की। मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस के 7 खंड हैं। बेटा म्यूट कर लेना। नहीं हुआ, हटा दे उसमें से। मैंने आपको बताया रामचरितमानस के 7 खंड हैं, और पहला खंड है, पहला चैप्टर है बालकांड। मगर बालकांड से भगवान की कथा शुरू नहीं हुई, जो तुलसी जी दास जी ने पहला दोहा लिखा वो बालकांड का ना तो श्लोक था ना चौपाई थी, कुछ भी नहीं था बालकांड। जो पहला दोहा उन्होंने मंगलवार को रामनवमी के दिन शुरू किया वो क्या था, सब जानते हैं ये वाला, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुत शरथ अजीर विहारी। ये दोहा उन्होंने सबसे पहले इसकी रचना करी। तो रामचरितमानस शुरू होती है इस दोहे से, इसलिए ये दोहा हम सबको मालूम भी है, क्योंकि हम सुनते जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बार सुनाया जाता है, हर बार गाया जाता है, और ये कौन है जिसको नहीं पता ये वाला दोहा, चौपाइए किसी को आती नहीं हो हाथ खड़ा करे, किसी ने सुनी नहीं हो हाथ खड़ा करे, सब कोई भी नहीं होगा जिसने नहीं सुनी, क्योंकि ये बहुत गाई जाती है, ये पहली चौपाई है जो उन्होंने लिखी और रामचरितमानस की शुरुआत की। मैं पिछले 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि दिशा को एक भजन आ जाए, खाली राम का नाम आ जाए, तो बड़ा मुश्किल है, और भजन तो है आसान पर मुश्किल है। तो इसकी 2 लाइनें गाते हैं और 2-3 चौपाइयां जो अभी मैं सिखा रही थी,
just to invoke Lord Ram, I think that would be a good auspicious start to our endeavor. And we can sing it in the beginning or in the end or something. It's a very easy. She's saying no, not easy. पर जिसको गाना आता है सुर समझने, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग सुनते जाते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम. हमें लगता है सुन के आ जाएगा, सुन के कभी नहीं आता है ना. जो संगीत सीखते हैं उनको मालूम है खाली सुनने से आता है क्या. आता है पुलके, कैसे आता है? गाने से आता है, गाने से. दो बिल्कुल अलग फैकल्टीज हैं, कान की फैकल्टी और मुंह की फैकल्टी बिल्कुल अलग. वोकल कॉर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम श्रुति. ये श्रुति का स्तोत्र है, स्रोत है, और ये बोलने का प्रबंध है. ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, दो अलग अलग जगह पे प्लेस्ड है. तो ये सोचना मत कभी कि सुन के तुम्हें बोलना आ जाएगा, बोल के ही बोलना आएगा. बचपन में भी जब सीखे थे तो सुन के नहीं सीखे थे, बोल के सीखे. सुन के सीखे होते तो हमेशा परफेक्ट होती बात, क्योंकि सुनने वाली बात तो परफेक्ट ही होती है. तो बच्चा तुतला के क्यों बोलता है, उल्टा सीधा क्यों बोलता है, इनकम्प्लीट क्यों बोलता है, आधे वर्ड क्यों बोलता है? क्योंकि बोलने की और सुनने की फैकल्टी बिल्कुल अलग है. या सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट, अगर किसी चीज की साधना करनी हो तो वो बोलो, सुनने से काम नहीं चलेगा. तो ये हमारी आज की कौन सी पिक्चर है, ये आदि पुरुष किसने देखी? आदि पुरुष में भी ये भजन है पर बहुत इनकम्प्लीट है, और इसका एक कंप्लीट वर्जन भी है. आई विल सेंड इट टू यू गाइस. जो कंप्लीट वर्जन है उसमें उन्होंने पूरी रामायण ही करी हुई है इसी भजन में. एक घंटे का, डेढ़ घंटे का है, पूरा दोपहर में सुन रहे थे. पूरी रामायण की कथा है उसमें, यही भजन में. आई विल सेंड यू द लिंक, आई विल सेंड यू गाइस. बट इसका जो चौपाइयों का जो तुलसीदास जी का चौपाई है, उसके बेसिस पे जो ये भजन है वो बड़ा सुंदर है. वील डू दिस. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ हजिर बिहारी. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम. आगे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन के तैसी. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन के तैसी. गा बेटा, खुल के मुखड़ा गा. जो आपने पहले लाइन गई थी वो ना. मंगल भवन ओ मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम राय जय राम। Then this is also a very popular chopai. Hari Ananta Hari Katha Ananta, Kahu Sunahu Bahu Vidhi Sab Santa. Hari Ananta Hari Katha Ananta, कहु सुनहु बहु विधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओके, सचिन ने गाया नहीं तो इसको आएगा नहीं। किसी ने गाया? किसको आया? पुलकित तो जानता है। शालिनी गाना? हाँ दीदी। कौन सा? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, वेरी गुड। सिया राम जय जय राम। खुशबू का? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वेरी गुड। चीकू? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वेरी नाइस। तानिया गाएगी? सुना? दीदी कोशिश करती हूँ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। Very nice. Piyush? Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Very Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Kya baat? Very nice. So, भगवान राम जी की कथा का आरंभ हुआ और कथा का आरंभ जो हुआ तो पहले तुलसीदास जी ने थोड़ा गणेश जी को याद किया, फिर सरस्वती माता का आवाहन किया, फिर राम जी का आवाहन किया, फिर ऋषियों का, संतों का, सबका आवाहन किया। चौपाई हम अगली बार पढ़ेंगे। आवाहन करके उन्होंने सारे दुष्टों का आवाहन किया। एक तुलसीदास की कहानी में है तो कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, पर इसमें उन्होंने बहुत ही अजीब अजीब, मतलब ऐसा प्रसंग दिया है कभी कभी
कि एकदम हट के, मतलब ये ऐसा हो ही कैसे सकता है कि सब गुरुओं का आवाहन हो रहा है, भगवान का आवाहन हो रहा है, देवताओं का आवाहन हो रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा सारे दुष्टों का, सारे राक्षसों का, सारे दैत्यों का आवाहन किया। क्यों क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा आवाहन? वो से कोई अड़चन नहीं करेंगे, मतलब वो भी आएंगे तो अड़चन ही करेंगे। हाँ। आएंगे तो अच्छा कैसे करेंगे, जो जिसकी प्रवृत्ति होती है वो तो वो ही लेके आता है। बट जैसे आपने कहा कि राम का नाम लेकर ईगो और ये सब तो राक्षस ही है, ईगो लस्ट और एंगर, तो ये सब तो थोड़ा खत्म ही होगा। उनकी प्रवृत्ति नहीं छूटी, रावण रावण ही रहा, मेघनाद मेघनाद ही रहा, है ना, खरदूषण खरदूषण ही थे। उन्होंने मारना बंद नहीं किया, उन्होंने सताना बंद नहीं किया, उन्होंने गलत काम करना बंद नहीं किया, तो इनको क्यों बुलाया होगा तुलसीदास जी ने? मैं भी उनको चैलेंज चाहिए था ना, बोरिंग हो जाता है राम से लेके। उनको बुराई और अच्छाई का फर्क बताना था। अगर अच्छाई को, अगर अच्छाई को उन्होंने पोर्ट्रे करना है अपनी स्टोरी में, इफ दैट इज द वैल्यू सिस्टम दे वांट टू इनकल्केट, देन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, हाउ कैन वन टेक अ जजमेंट? सो टू ब्रिंग दैट एलिमेंट, एज पर मी इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छाई का इन इट्स ओन देर इज नो, मतलब बुराई के बिना अच्छाई का कोई, देर इज नथिंग, देन तो सत्युग हो गया ना फिर। अब हम कलयुग में क्योंकि हम रामायण को इन्वोक कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि इतनी बुराई है कि हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, एंड दैट इज व्हाट लीड्स अस टू द करेक्ट पाथ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रॉन्ग एंड फ्रॉम द राइट, एज फॉर मी आई मे बी रॉन्ग। It is a basic principle of writing, so I'm sure you understand that very well, right? It's a basic principle of writing or any kind of art form. If you are an artist, then you will absolutely, or you are a director, producer, singer, whatever, you will understand the concept of darkness, because say when you're doing photography, then it's not about light, it's only about shadows, right? If you're looking at a movie, it's not about the protagonist, it's about the villain as well, right? So in any form of any art form where you are trying to replay or rebuild or construct something which is absolutely as it happened, जो दुनिया है, जो सृष्टि है, जो संसार है, वो दो चीजों से बना हुआ है ना, लाइट एंड डार्क, डे एंड नाइट, बिल्कुल बराबर बराबर बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी दिन बड़ा हो जाता है पर कभी फिर दिन छोटा भी हो जाता है, बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम पूरे एक दिन की चर्चा करेंगे, इफ वी ओनली डिस्कस वन डे, देन वी हैव टू टॉक अबाउट डे एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट नाइट, देन इट इज अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ वन डे, राइट? तो अगर हमने कहानी पूरी करनी है तो सारे दानवों की भी इन्वोकेशन जरूरी है, क्योंकि वरना वो रियलिस्टिक नहीं होगी, फेरी टेल हो जाएगी। फेरी टेल में भी विलेन होता है। हमारी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन पिक्चर देखने के बाद, वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर लिखा हुआ आता है, वो दिखाते क्यों नहीं है? मेरी तो बचपन से यही फ्रस्ट्रेशन, ये हैप्पी वाला ही सीन दिखा देते, ये इतना टेंशन वाला क्यों पूरी पिक्चर बनाई ना, जो हैप्पी आ गया तो उसको दिखाते ही नहीं है, वो खत्म हो गया वहां पे। बचपन से यही फ्रस्ट्रेशन, हैप्पी वाला कुछ हैप्पी हैप्पी दिखा दो। जब मिल गए, दूल्हा दुल्हन मिल गए, तो उसके बाद आगे भी दिखा दो ना फिर। I don't want to see a blue movie, but I do want to see what happens, like, you know, how do they live nicely together, right? Like, I want to see that, I want to witness that, but that's not possible. It's not possible because it's not real. That is a fairy tale.
reality is always 50% white, 50% dark. Or bina uske, it's not about contrasting white with dark. Yeah, like Monica said, she picked the right thing. It's not about contrast. It's about reality. Yehi sach hai. Agar achhe din hai, to bure din aayenge hi aayenge. Agar bure din hai, to achhe bhi aayenge hi aayenge. Agar sukh hai, to dukh bhi hoga hi hoga. Agar koi, ab jaise hum log sochte hain ki Modi Yogi bade achhe politician hai, to kharab bhi honge. Rahul Gandhi bhi hoga kahin na kahin kisi kone mein. आप वाला क्या नाम है उसका, वो भी होगा. और जिनको वो अच्छे लगते हैं उनके लिए मोदी और योगी खराब. मतलब विलन तो हर किसी की स्टोरी में है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसकी स्टोरी में विलन ना हो. या और वो स्टोरी ही सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है अगर उसमें डार्कनेस ना आए, अगर उसमें विलनेस कैरेक्टर्स नहीं हो. That story is incomplete. In fact, that story is not worth telling, just like my movie endings, right? They cannot be stretched beyond that point because that story is not worth telling. Does that make sense? जब हम गाना भी गाते हैं तो उसमें कुछ मेल स्वर है, कुछ फीमेल स्वर है. सरगम में भी मेल स्वर है, फीमेल स्वर. और जब राग का कंस्ट्रक्शन होता है, किसी ने राग अगर स्टडी कराओ तो राग के कंस्ट्रक्शन में एक म और प कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं. स कभी कॉन्ट्रास्ट नहीं बनाता, म और प कभी कभी नहीं. और यही कॉन्ट्रास्ट उसको राग बनाता है, यही कॉन्ट्रास्ट उसको राग बनाता है. सो कोई भी चीज कंप्लीट होने के लिए क्या चीज जरूरी है? कंप्लीट होने के लिए खाली सुख नहीं हो सकता. दुख भेज दो भगवान, सुख तो अपने आप ही पीछे आएगा, है ना? हम क्या बोलते, भगवान सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे. दुख भेज दो भगवान, सुख तो अपने आप ही पीछे आएगा. खाली दुखी रखो, एक तो तुम्हारे को याद रखते रहेंगे, है ना? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई. पर ऐसा कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया बनके कितनी बार नष्ट हो गई, ऐसा कोई नहीं मिला जो सुख में सुमिरन करे, है ही नहीं. जितने हुए वो सब मिल गए भगवान में, वो बचे ही नहीं धरती पे, क्योंकि उनके अंदर जो गंदगी थी ना उसकी मात्रा खत्म ही हो गई. काली है ही नहीं, खाली उजाली उजाली, फिर क्या, खत्म हो गए, गायब हो गए यहां से, दुनिया से. दुनिया में रहना है तो सूरज भी आएगा और चंद्रमा भी आएगा, दोनों. रात भी आएगी, दिन भी आएगा, दोनों. तो आई मीन इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग. इतनी दूर की सोच है, कौन करता है ऐसा, कौन करता है ऐसा? कि आपने नहीं, वाल्मीकि जी के बस की बात भी नहीं थी कि उन्होंने लिखना शुरू किया और बोला चलो अब रावण भी आ जाओ और मेघनाथ भी आ जाओ, कुंभकर्ण, सबका इन्वोकेशन. वाल्मीकि जी ने भी नहीं किया, इसलिए ये रामचरितमानस बड़ी क्यूट है, बड़ी यूनिक है, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने लिखी है, क्योंकि उन्होंने सारे दानवों, दैत्यों, गंदे लोगों का सबका आह्वान कर दिया. जैसी दुनिया है बिल्कुल वैसी ही दिखी इस रामचरितमानस में, बिल्कुल जैसी दुनिया है बिल्कुल वैसी ही, किसी की कमी नहीं है, सबका आवाहन किया. सो इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी यूनिक टू दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन. इट इज नॉट देयर इन एनी अदर कॉम्पोजिशन ऑफ एनी काइंड. Anywhere where you're invoking only auspiciousness. He's a unique writer who's invoking inauspiciousness. Ye bhi aa jaye. Unique writer. Hum jab karte hain to mangalacharan karte hain.
अमंगलाचरण किसने सुना है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी करते हैं, बहुत सुंदर है, वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल, एंड दैट दैट गिव्स इट अ यूनिक कैरेक्टर. यानी अगर हम सिर्फ अच्छे 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 लिखेंगे तो उसमें जैसे मोनिका ने बोला रस भी नहीं आएगा. और सुंदर बात ये कि हर किसी के कैरेक्टर में कुछ ना कुछ, अपने लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में देखो कितना सारा आपत्तिजनक कार्य करते हैं वो, आपत्तिजनक एज इन ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल के सुग्रीव ने बोला, सुग्रीव ने ध्यान ही नहीं दिया, भैया अभी मार के आता हूं मैं, अभी डरा के आता हूं, अभी रुक जाओ, मैं अभी अभी लेके आता हूं आपको, पांव पकड़ के उसको सामने ले आऊंगा. सुग्रीव बात नहीं सुन रहा, उसने प्रॉमिस किया था, उसको राजा बना दिया, अब वो देख ही नहीं रहा, वो मस्त है, अभी लाता हूं उसको. भगवान बोले ठहरो, रुक जाओ, दोस्त है मेरा, ऐसे मतलब काम कराना है उससे, अब मान नहीं कर सकते, है ना. तो इवन लक्ष्मण जी के कैरेक्टर में बहुत जो डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी का है वो बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है, बहुत प्यार से उन्होंने दिया है, और बहुत मर्यादा वाला डिस्क्रिप्शन है, और डायलॉग्स भी बड़े ब्यूटीफुल, यू नो, अप्रोप्रिएट डायलॉग्स. बट ये जो रामचरितमानस, इसमें रस है, व्यंग है, फनी भी है, बहुत फनी है. केवट के पास भगवान, केवट जानते सब, केवट के पास भगवान आए, तो सबने कहानी तो सुनी होगी, केवट के पास भगवान है, केवट ने मना कर दिया, भगवान नहीं चढ़ाऊंगा. भगवान आए तो भगवान ने उनसे नाव मांगी कि केवट भैया थोड़ी नाव मिलेगी इस पार से उस पार, ना मैं नहीं दूंगा. तो पहले ही ना बोला, लक्ष्मण जी बोले भगवान कैसे भक्त हैं आपके, एक वो सुमंत जी हैं, आपने उनको बोला कि आप चले जाओ वापस, वो जाने को तैयार नहीं, और ये केवट हैं, ये नाव लाने को तैयार नहीं. तो राम जी हंस रहे हैं, वी यू नो दिस इज ओनली इन रामचरितमानस, नॉट देयर इन वाल्मीकि रामायण. ये पूरा, ये जो पूरा व्यंग है ये रामचरितमानस का है, इसकी मैं कलर बता रही हूँ. तो राम जी बोले हाँ कुछ ऐसा ही है, जब हम लोगों को वनवास हुआ था, वनवास तो मुझे ही हुआ था, तो तुम और जानकी माता क्यों आ गए, मैंने तो बहुत बोला तुम मत आओ, तुमने मेरी बात सुनी, क्योंकि लक्ष्मण जी बोले आपके भक्त कैसे हैं ये, एक वो सुमन जी नहीं मान रहे, वो जाने को तैयार नहीं है, लाने को तैयार नहीं. राम जी बोले लक्ष्मण भैया तुमने मेरी बात सुनी, जानकी ने मेरी बात सुनी, किसी ने मेरी बात सुनी. तो जब शुरुआत ही इतनी इनऑस्पिशियस थी, तुम लोगों ने ही बात नहीं सुनी, तो आगे किसके किससे और क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखे ना आगे, तो तुम लोगों ने शुरुआत ही ऐसी कर दी. और अगर तुम लोग आए साथ में मेरे ना कहने के बावजूद मेरी बात तुम लोगों ने नहीं मानी, तो क्यों नहीं मानी, प्यार होगा ना, तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए नहीं मानी ना. तो अगर ये लोग भी बात नहीं मान रहे हैं तो जरूर इसमें भी पीछे प्यार होगा, ये केवट मुझसे प्यार करता होगा इसलिए ऐसे. So beautiful, right? So beautiful to see this whole dialogue is not there in Valmiki Ramayana. It's only there in Ramcharitmanas. Okay, but na, main na rahunga. Tum yahi ruk jao. Nahi, bhaiya, naav ki zarurat hai. Aap please mujhe naav de dijiye. Okay, but soche. कि भगवान ने, अच्छा मेरे को तो कभी इतना प्यार से किसी ने बोला ही नहीं,
भगवान ने पहली बार ये भगवान आया और इन्होंने इतने प्यार से मुझसे, मतलब ये तो सच में प्रभु है। तो केवट बोला, जान गया प्रभु, मैं जान गया आपको, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। लक्ष्मण जी फिर बोले, ये रामचरितमानस के लक्ष्मण जी है, ये सही है प्रभु, ये भी जानता है आपको, हम ही ना जाने ये सारे लोग जानते हैं, ये कहां से जान गए तुम्हें। अच्छा लग, राम जी ने बोला अच्छा अच्छा पूछते नहीं तो राम जी बोल रहे तो आप नाव किसी तरह से तो हमें उस पार लगा दीजिए। तो बोले अच्छा प्रभु, मैं आपको जानता हूं, आपने उसको छुआ, अहिल्या के वो पत्थर को छुआ तो पत्थर तो लड़की बन गई, अब आप मेरी नाव में बैठेंगे, वो तो पत्थर था, ये तो लकड़ी है, लकड़ी तो और भी सॉफ्ट और साथ में नदी में है और भी सॉफ्ट हो गई, इसको तो लकड़ी लड़की बनने में देर ही ना लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, एकदम से बन जाएगी लड़की। ना ना, मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। तो बोले सोल्यूशन, सोल्यूशन तो कोई होगा इसका? हाँ सोल्यूशन तो है, पहले तुम अपने पांव धुलवाओ। तो अरे इससे पहले भी कुछ इंटरेस्टिंग बात होती है। वो बोले सोल्यूशन तो ऐसा है, दूसरा पहला सोल्यूशन उन्होंने दिया, केवट ने पहला सोल्यूशन दिया ऐसा है, थोड़ी दूर पे ना वहां पर कमर तक पानी है, तुम वहां से चले जाओ आराम से, तुम गंगा मैया पार कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बोले तो ले चलो हमें, क्यों ना, मैं नहीं लेके जा सकता। फिर केवट ना बोले, दोनों मतलब लक्ष्मण जी तो परेशान ही हो गए, मतलब क्या आदमी है, ना ही ना बोलते जा रहा है, सीधी मुंह जवाब भी नहीं दे रहा ना। बोले अच्छा उसमें क्या परेशानी है? राम जी बोले मेरा काम है, धंधा है, मैं लोगों को यहाँ से वहां ले जाता हूँ, उतराई लेता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ सुबह सुबह के टाइम में वो जगह दिखा दूंगा तो ये आज के तो पूरे ग्राहक वहां चले जाएंगे, मेरे पास तो कुछ रहेगा नहीं, पैसा ही नहीं बचेगा। अभी नहीं, तुम वेट करो, शाम को जब काम का टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और वहां पर ले जाके तुम अपना पार कर। तो राम जी बोले अभी शाम तक का तो टाइम नहीं है, तुम अभी बताओ कोई, अभी कोई सोल्यूशन हो तो, और आज ही बताओ, अभी ही जाना है। तो बोले तो फिर तो पांव धुलाने पड़े। तो केवट का बेटा था तो वो क्या बोला, बोला पिताजी पांव धुलाने से नहीं चलेगा, पांव धुलाए तो सिर्फ वो शिला अहिल्या बन गई थी, सिर्फ उतना, इनके तो हाथों में भी दिक्कत है। तो केवट बोले हाथों में क्या दिक्कत है, हाथ इन्होंने हाथ धनुष को लगाए, धनुष टूट गया। तो लक्ष्मण जी चिढ़ गए कि ये तो मतलब बाप तो बात, बेटा उसके भी सवा से है ना, तो ना हाथ पांव धुला दो। तो फिर उसके बाद केवट ने फिर मना कर दिया। अब ये बात इतनी सुंदर बातें तो वाल्मीकि रामायण में बहुत है, मगर ये कोलोकियल ब्यूटीफुल छेड़छाड़ ये उसमें नहीं है। केवट फिर मना कर दिए, अच्छा तो पांव धुला लो। नहीं, अरे अभी बोला तुमने पांव धुला लो, पांव धुला के तुम ले चलोगे तो अब ना किस चीज के लिए बोल रहे। बोले नहीं पांव नहीं धुलाऊंगा, तुम बोलो तो धुलाऊंगा, नहीं तो मेरे पांव तो कई लोगों ने वैसे ही धो लिए। तो केवट बोले उन्होंने धो लिए, उनकी गरज थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको उसका फल मिला, अभी तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना, तो तुम बोलो तब मैं पांव धोऊंगा। सो हाउ क्यूट, तुम बोलो कि मैं पांव धोऊं, तब कितनी बेशर्मी की बात है कि तुम आके मेरे पांव धो। पर केवट बोल रहे हैं तुम बोलो तो मैं पांव धोऊंगा, और पांव धुलाए बिना तो मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। खैर राम जी ने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं कर दो तुम मेरे पांव धो दो। तो केवट पांव धोने लगा,
बड़े प्यार से, बड़े मन से, केवल प्यार से पांव धो रहा है। एक पांव पे भगवान खड़े हुए हैं, एक एक पांव, थोड़ी देर में भगवान भी थक गए, उन्होंने पांव नीचे रख लिया। बोले ये क्या कर दिया आपने, तो गंदा हो गया, फिर से धोना पड़ेगा। बोले एक पांव पे मैं कितनी देर खड़ा रहूंगा, केवल इतना, कोई शिला, कोई पेड़, किसी चीज का सहारा नहीं। प्रभु हाथ रख दो मेरे सर पे, तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा ना, तो तुम मेरे हाथ रख दो सर पे। सो ब्यूटिफुल, पांव भी तुम्हारे कहने पे धो रहा हूं और तुम्हारे सहारे के लिए मैं अपना सर दे रहा हूं। क्या केवट रहा होगा, और क्या तुलसीदास जी जो उन्होंने ऐसी व्याख्या की प्रसंग की। तो खैर, भगवान ने हाथ केवट के सर पे रखा, पांव उसके हाथ में रखा, और केवट ने पांव धोए, और पांव धोके चरणामृत अपने पूरे परिवार को पिलाया। इतनी कहानी सबने सुनी, सुनी है ना। उसके बाद राम जी बोले चलो अब लेके चलो। बोला ना अब नहीं लेके चलूंगा। फिर ना, अब क्या दिक्कत है। तो केवट बोले कि भाई ये तो घाट घाट का रूल है कि जो पहले आया है वो पहले पार लगेगा। तो राम जी बोले हम तो सबसे पहले आए, हमसे पहले कौन। बोले मेरे पूर्वज वो पहले आए हैं, पहले तो उनको पार लगाना पड़ेगा ना, पहले वो पार लगेंगे फिर मैं जाऊंगा लेके आप। तो कैसे अपनी बात मनवाई केवट ने, खैर पूर्वज भी पार हो गए, फिर भगवान भी पार हो गए। उस तरफ जाके एक अलग ही कहानी, भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम नाव उतराई ले लो। ना नाव उतराई तो मैं नहीं लूंगा, ना ही ना, ये तो मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे, आप और मैं सगे भाई हैं। लक्ष्मण जी को तो कितना गुस्सा आया होगा आप सोच सकते हैं, आप और मैं सगे भाई। ये तो यहाँ पर कहां से शुरू की थी इसने कहानी, अब यहां पर आके सगा भाई बोल रहा है। आप और मैं तो सगे भाई हैं, आपसे कैसे ना उतराई ले सकता हूं। तो लक्ष्मण जी बोले कैसे भाई हो गए तुम्हारे, वेरी इरिटेटेड, सगे भाई तो मेरे हैं, तुम्हारे कैसे हैं। तो केवट बोले देखो मैं यहाँ पर गंगा मैया से इधर से उधर लेके जाता हूँ, आप भवसागर पार कराते हो तो दोनों ही हम लोग केवट फैमिली है, आप मेरे सगे भाई हो, मैंने आपको नाव पार कराई, आप मुझे करा देना, बात बराबर है। उनके पास, राम जी के पास देने के लिए कुछ था भी नहीं। धीरे से माता सीता ने अपनी अंगूठी दे दी थी भगवान को कि आप दे दीजिए, ना उतराई कुछ तो देंगे। तो राम जी ने बोला अच्छा चलो मैं तो तुम्हारा सगा भाई हूं, ये माता की तरफ से। तो बोले वाह भगवान, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगा। ये क्यों नहीं लोगे, इसका क्या रीजन है। तो केवट बोले देखो प्रभु, मेरे से पहले आपके पांव धोए थे जनक, राजा जनक ने ना, जब लड़का आता है तो उसके पांव धोए जाते हैं और उसके बाद शादी होती है। तो राजा जनक ने पांव धोए थे और उसके बाद अपनी बेटी दी, और मैं ऐसा कि मैंने पांव धोए और उसके बाद उसकी उसी बेटी का की मुद्रिका ले लूं, अंगूठी ले लूं। बीच में लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्सा आ गया, बीच में तीर निकाल के खड़े हो गए, हमेशा था खड़े हो जाते, तीर निकाल के खड़े हो गए, बोल मारूंगा तुझे, तो मार दो, डरता नहीं है, डरना क्या है।
जो राम जी के सबसे प्रिय है वो मार रहे हैं, राम जी के पांव धो रहा हूं तब मर रहा हूं, हाँ गंगा का तीर है, इससे अच्छी मौत तो मेरे को मिल ही नहीं सकती, तू मार दो अभी मार दो। अपमान तुम्हारे भगवान का ही होगा। लक्ष्मण जी ने तीर निकाला था वैसा का वैसा वापस रख दिया। तो क्या आदमी है, अजीब कैरेक्टर केवट, कैसा भक्त होगा कि भक्ति भी करे और प्यार से भी करे और अपनी बात कैसे मनवाई उसने, कोई मनवा सकता, कोई सोच सकता है इतना, केवट की तरह कोई सोच सकता है, सिर्फ वो नाव चलाता था कि भगवान पहले तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा, और पांव धोऊंगा आगे से उतराई भी नहीं लूंगा, और पहले मेरे पूर्वजों को पार करो फिर तुम्हें पार करूंगा, और उतराई तो बिल्कुल ना लूंगा कि तुम मेरे सगे भाई हो। पर हाथ रखना है तो सर पे रख दो, इतनी देर तक खड़ा रहा पांव पकड़ के, कोई सहारा दो मेरे सर का सहारा लो, एहसान करो, भगवान के ऊपर एहसान किया उसने कितना सारा। कोई कर सकता है ऐसी भक्ति, बताओ किसी में दम हो तो। और ये यूनिक, मतलब ऐसे भी प्रसंग है यूनिक, अलग अलग तरीके की भक्ति। मैंने बताया था ना कहानी किसकी है, कि भक्तों की कहानी है, कैसे कैसे अपनी भक्ति निभाते हैं। शबरी बिचारी प्यार से निभाई अपनी भक्ति, और ये केवट केकई माता ने भी आके एक वर मांग लिया कि मेरे को भरत की माता रहने का वरदान दे दो भगवान वनवास में जाने से पहले, ये भरत तो बोलेगा नहीं मुझसे, माता रहने का वरदान दे कि मैं एक भरत की माता रहूं। तो बड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी तो ब्यूटीफुल है ही, चरित्र तो ब्यूटीफुल है ही, पर ये लिखने का जो ढंग है, ये प्रसंग जो है, जो तुलसीदास जी कैसे, मतलब कोई कैसे इतना सोच सकता है, मैं तो सुन सुन के समझ समझ के हैरान हूं कि कोई कैसे इतना सोच सकता है। ब्यूटीफुल तो वाल्मीकि रामायण भी है, पर ये तुलसीदास जी की रामायण बड़ी इंटरेस्टिंग है, भक्त के बहुत सारे वर्जन्स हैं इसमें, सुग्रीव कैसे भक्ति करते हैं, बाली भी भक्त थे राम जी के, जटायु की भक्ति अलग, जटायु की बात सुनते तो हमेशा ही रोना आ जाता है, कैसे थे। हनुमान जी की भक्ति अलग, फिर अंगद भी गया था उसने भी भक्त भक्त का ही रूप लिया, अंगद भी पहुंचे थे दरबार में रावण के, और लक्ष्मण जी की भक्ति तो निराली है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। फिर भरत की भक्ति अलग, और सबसे ज्यादा भक्ति है शत्रुघ्न की, जो हमें कभी सुनाई भी नहीं देती, दिखाई भी नहीं देती। सो द नंबर ऑफ कलर्स दैट आर विजिबल इन रामचरितमानस ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ each episode of each stage, अभी हमने बोला ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, सुनहु कहहु बहुविधि सब संता, तो सुनने का कहने का रंग और ढंग अलग अलग है, और सारे संत अपने हिसाब से सुनाते हैं और कहते हैं, और ये तुलसीदास जी तो बड़े यूनिक यूनिक पोएट हैं, यूनिक
बहुत यूनिक रचना है क्योंकि इसमें बहुत रंग है। हरी कथा तो अनंत है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये तुलसीदास जी की कथा बड़ी यूनिक है, बहुत सुंदर है। और इसमें जो हट है, जो कॉन्वर्सेशन है, जैसे डायलॉग राइटिंग, एक ही चीज है, डायलॉग राइटिंग तो करनी पड़ेगी ना, वो डायलॉग राइटिंग बड़ी क्यूट है यहाँ पे ना। बस पूरे टाइम केवट ने ना ना बोला और पार उतर गया, भगवान को ना 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 ना, और पूरे परिवार के साथ, पूरे पूर्वजों के साथ, सबके साथ पार उतर गया। ऐसी भक्ति भी करें अगर इतना ईगो रखना है तो, अगर दिमाग ही चलता है तुम लोगों का तो ऐसे चलाओ ना केवट की तरह से। फैंटास्टिक है, मत चला पाओगे? चलो बढ़िया, ठीक है, खाना खाओ, सो जाओ। भजन याद रखना, क्या भजन है? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा मोनिका, मुझे बोल रही है क्या भजन है? मंगल भवन राम सिया राम, सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इतना याद रखो, बाकी चौपाई याद रहे ना रहे, नाम चलता रहना चाहिए। But wow, what a beautiful perspective you've presented. I'm mind blown, especially because I write, or I claim to be able to write a bit, but this was brilliant. The way you've interpreted it, it's mind blowing. I mean, hazar baar Ramayan pad chuke honge, but aisa perspective, thank you. I think we are blessed at this moment to be here, listening to you. Thank you. There are many people who say the same katha. पर जो आपने आज पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किया है, आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग, आई हैव नेवर थॉट इन दिस मैनर। थैंक यू फॉर इनेबलिंग अस टू इवन लुक एट इट। थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम एंड वेरी काइंड। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? वैसे तो कोई गुंजाइश नहीं थी, पर क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। हाँ बेटा, आपने ना बोला था अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, sometimes you have to wait, right? My question is, obviously, you know, we've heard it many times, patience की जरूरत होती है. So patience till the आखरी moment, how do we make sure we keep it? कभी कभी ना थोड़ा लंबा हो जाता है. तो तुमने कभी नाव चलाई है या स्विमिंग की है, ओशन में की है? किए? ओशन में नहीं किए, पर जैसे ये अगली बार ओशन में, क्योंकि वो रियलिटी है, उसमें कभी वेव आती है, कभी चली जाती है, कभी आती है, कभी चली जाती है, क्या करना चाहिए? जब वेव आती है तो क्या करना चाहिए? तो सर नीचे करके तैरना चाहिए, कितनी देर तक पेशेंस रखना। अब तुम सागर में हो, भवसागर में हो ना, भवसागर में हो, वेव तो आएगी, एवरी नाउ एंड देन देयर विल बी अ वेव, कितनी देर पेशेंस रखोगे? अगर तुम्हारे पास सांस है तो आस है। सांस किस चीज की होनी चाहिए? जो भगवान की भक्ति का सहारा ले उसके पास सांस है, जो सहारा ना ले उसके पास सांस ऐसे खत्म हो जाती है। तो वेव आएगी तो तुम नीचे गिर जाओगे, डूब जाओगे, फिर उठते उठते टाइम लगेगा, बड़ा कष्ट होएगा। और जिसके पास भगवान की भक्ति का सहारा नहीं है उसको ये तकलीफ होती है, उसको लगता है हे भगवान। अब वो अगर तुमने वेव ठीक टाइम से पार कर ली तो उसके आगे डिप्रेशन आता ना, यू सीन द वेव नो हाउ इट गोस,
So then you have a few moments to take another breath before the next wave comes. उसके लिए क्या जरूरी है? राम नाम का जाप या किसी कोई नाम का जाप, तो आप वो जल्दी से पार करके और अगली ब्रेथ ले लोगे. और जो आपने प्रेपरेशन नहीं रखी तो क्या होगा, आपको वो वेव नीचे ले जाएगी और जब तक आप ऊपर आओगे सांस लेने का कोई जरिया नहीं होगा, आप डूब जाओगे. एक ही प्रॉब्लम में, पहली प्रॉब्लम में आपको ऐसा लगेगा ये तो अंत हो गया मेरी लाइफ का. ये एक बार किसी तरह बच गए, फिर दूसरी बार दोबारा ही आएगी वेव, तो आएगी आएगी. समझी गुड़िया? सो जो उसको ठीक से पार करेगा ना बेटा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है ब्रीथ टू ब्रीथ. इफ यू डोंट मेक श्योर दैट यू राइड दिस वेव प्रॉपरली, देन यू विल डेफिनेटली गो थ्रू अ डीप डिप्रेशन. And then it'll have its own fallouts, etc. So it'll be harder to come back, harder to make it back. And then it'll feel like such a strain because you were out of breath for so long. Now you need a longer breath. Make sense? So when the wave comes, you need to ride it properly. And what's the way to ride it? With devotion, with, you know, some resilience, with a lot of faith. If you ride it, khatam ho jayegi thodi der mein, dobara saans le lena, kya dikkat kya hai, koi dikkat nahi, abhi khatam ho jayegi. Bhakti karo. Sudama gurukul se nikle aur char bachcho ke baap ban gaye, tab tak unka bura time chal raha tha. Meera ki shaadi jab hui aur jab tak unko zeher diya rana ne, बोला जाता है राणा ने दिया नहीं, उनके बड़े भाई ने दिया. जब तक जहर दिया तो बहुत साल निकल गए थे. तो कितनी देर की वेव आएगी ये तो आपके कर्मों के ऊपर है. खत्म जरूर होगी. उससे पार लगने का एक ही तरीका है, डूबने का ना डूबने का एक ही तरीका है कि आप भक्ति करो या तो कोई पूजा पाठ करो. तो आप फेथ के साथ रहोगे तो निकल जाएगा. कितनी देर फेथ रखना है वो कर्म के हिसाब से. डेफिनेटली देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ. सेड नो, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट गाइस. राम सिया राम, सिया राम जय जय राम. राम सिया राम, सिया राम जय जय राम. सो कंटिन्यू टू सिंग, कंटिन्यू टू इनवोक गॉड, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास. नमस्ते. नमस्ते दीदी. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते दीदी. थैंक यू.